जोमैटो के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। जोमैटो जो है अभी जो प्राइस चल रहा है उसका 65 रुपीस के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है, और जोमैटो आज हमने मॉर्निंग में ही रिकमेंड कर दिया था 60 के आसपास। अगर काफी मेरे यूजर्स होंगे उनको भी हमने बताया था कि 60 के आसपास आप जोमैटो को बाय कर सकते हैं। रीजन उसका क्या था, इसमें पहली बात तो था कि 71 लाख शेयर्स के इसमें सौदे हुए आज, और दूसरा क्या था, वीकली में पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं हैमर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसकी वजह से हमने 59.60 के ऊपर इसमें बाइंग रिकमेंड करी थी। 60 के आसपास हमने इसमें आज बाइंग करी थी, और एक घंटे के अंदर ही जोमैटो ने हाई बनाया 67.60 का। तो आज हमारे काफी सब्सक्राइबर, काफी जो मतलब हमारे चैनल्स पे लोग हैं, उन्होंने आज बड़ा पैसा मार्केट में बनाया है, क्योंकि जोमैटो में एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। अगर मैं मेटल शेयर्स की बात करूं, कल मेटल शेयर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई थी। अगर आप देखें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर 13% 12.5% मार्केट गिरा था, तो वहीं पे अगर हमने आज एनालिसिस करा तो थोड़ा सा चार्ट में आपको जेएसडब्ल्यू स्टील का दिखाना चाहूंगा, और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है 552 के आसपास चल रहा है। एक्चुअली में ये ट्रेंडिंग शेयर्स है क्योंकि पोजिशंस काफी है लोगों की इसमें, तो जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में काफी लोग जानना चाह रहे थे, तो वो ये है कि अभी इसमें एक पैटर्न बना है मॉर्निंग स्टार पैटर्न बिल्कुल बॉटम पे, और मेटल में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक अच्छी खासी तेजी खा सकता है, ये रेट एक अच्छा बाइंग का हो सकता है, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसमें 537.50 का, टारगेट मुझे लग रहा है इसका 572-573 जा सकता है। और अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करूं तो और इसका एक सपोर्ट 567 का, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, और जब ये 567 वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा फिर वहां से इसका जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो 640-650 के आसपास का टारगेट देखने को मिलेगा। तो आप जेएसडब्ल्यू स्टील में अपनी पैनिंग नजर बना के रखिएगा। वैसा ही एक स्टॉक और है मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है वेदांता। वेदांता में आज थोड़ी बहुत अभी फिलहाल हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है, आज हाई बना है इसका वैसे 317 रुपए के आसपास का, बट वेदांता भी अच्छा स्टॉक है, इसको आप इस रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं। ये मैं आपको एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, फिर भी आप अपना रिसर्च करके ही आप इसमें ट्रेड बनाइएगा। स्टॉप लॉस बनता है इसमें 292.70 का, और यहाँ से इसका जो टारगेट बनता है वो बनता है 330-340 रुपए के आसपास का टारगेट बनता है। तो ये अच्छे शेयर है, इनमें आप अपनी बाइंग पोजिशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे चार्ट और कुछ एक ऐसे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे हैं जहां से एक मोमेंटम आ सकता है टेक्निकली प्योर इंडिकेटर्स के बेसिस पे, और वो वाली सारी चीजें तो एजुकेशनल पर्पसेस से आपको बता भी दिया गया कि किस तरीके से आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट्स के अंदर में इस तरीके के पैटर्न, तो समझ सकते हैं कि यहां से किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, वो एक चीज है। और दूसरी चीज ये है कि बाजार के अंदर में कहां क्या, इन्हीं चार्ट्स को देख करके आप अपने एडवाइजर से संपर्क करके और चीजों को और ठीक से कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग।